स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या बनाया था, उसमें हमने वीडियो बनाया था, क्या कहते हैं कि जिसका सिलेबस जेई मेन में 50% कंप्लीट है और उससे थोड़ा कम है, वो उस ट्रिक को फॉलो करेंगे। आज हम उसके ट्रिक बना रहे हैं जिसका सिलेबस 25 या 20% ही तैयार है। उन्हें लगता है कि हम पेपर कैसे देंगे, हम पेपर नहीं दे पाएंगे और पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उन्हें डर लग रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनके लिए ये सबसे इजी ट्रिक, बहुत इजी ट्रिक है। आप इस ट्रिक को एक बार फॉलो करिए, वो इतना ट्रिक इतनी इजी लगेगा कि आप खुद ही सोचेंगे कि हम तो इतना इजी ट्रिक है कि हम खुद क्यों ना तैयारी करके हम 80% तो श्योर बनेगा, मतलब 70-80% आप बना के ही आएंगे अगर इस ट्रिक को आज से अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। और इसे इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल को घंटी भी दबाइए और इसको इतना ज्यादा शेयर करिए कि जेई मेन स्टूडेंट के पास पहुंचना बहुत अनिवार्य। हर स्टूडेंट जेई मेन, जितने भी जेई मेन स्टूडेंट है उनके पास इसे पहुँचाना है, उन सबको बताना है कि आपको भी पढ़ने का सबसे इजी ट्रिक और इतना गोल्डन मिला है आपको एग्जाम, ऐसा एग्जाम आप सोच भी नहीं सकते, इतनी गोल्डन एग्जाम है, इतना गोल्डन है कि आपको केवल इतना कम सिलेबस पढ़ के आप 70-80% आपको आराम से करके आएंगे। 90% आप बता रहे, 90-95% अगर इस ट्रिक से आप तैयारी स्टार्ट कर देते आज से अभी से, तो आप 90-90% आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे और सिलेक्शन लेकर भी सोचेंगे। आप एक बार स्ट्रिक देखेंगे, इसको एक बार फॉलो करेंगे और इस ट्रिक को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, आप खुद ही सोचेंगे कि हम इतने कम सिलेबस पढ़ के हम कैसे जेई मेन एग्जाम देने जा रहे हैं। इतना आपको कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस लगेगा, आप खुद आज से और अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे, आप कभी भी डिप्रेशन, इस ट्रिक से आप डिप्रेशन में कभी नहीं जाएंगे, कभी में अकेले जो कि आपका केवल 25% तैयार होने के बावजूद भी आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और इस ट्रिक को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे और लास्ट तक आपको 80-90% हम गारंटी करें आप बना के आएंगे। 70-80% तो श्योर बनना ही बनना है। 20 से अगर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे 70-80% आप करके आएंगे। केवल इस ट्रिक को फॉलो करना है और इतना कम सिलेबस पढ़ना है कि आप इतनी बार पढ़िए कि उसको दोबारा उस सिलेबस को ना पढ़ना पड़े और आप अपने मंजिल तक खूब आराम से पहुंच जाएंगे, इतने आसानी से आप पहुंच जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी ईजी ट्रिक और इतना गोल्डन एग्जाम कैसे हमें मिला। अब आप इस मिलियन चांस से 4 अटैम्प्ट एग्जाम होना है, अगर 4 अटैम्प्ट में आप एग्जाम को नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दोबारा गोल्डन चांस मिलना मुश्किल हो जाएगा और क्या पता कल चेंज हो जाए और आपको नुकसान हो जाए। इसलिए इस गोल्डन चांस को आपको नहीं छोड़ना है और अपने आप को इसमें लग जाना है। आज से अभी से हम अपना ट्रिक स्टार्ट करते हैं और ट्रिक कैसे बनाना है और कैसे करना है आप खुद ही एक बार वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इस ट्रिक को हमें करना कैसे है। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम होना है, 23 फरवरी से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, कब हो जाए 23 फरवरी से हमारा एग्जाम हो रहा है। हम उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए हम वीडियो बना रहे हैं जिनका अभी सिलेबस केवल 20-25% ही तैयार है, उन्हें लगता है कि हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे, हम क्या करेंगे। उनके लिए ट्रिक है, इन्हें आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे और इस वीडियो देखने के बाद आप कोई और चीज़ नहीं देखेंगे, आप अपने सिलेबस को उठाएंगे और कितना कम से कम पढ़ना है उसको भी हम बताएंगे और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तुम क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है उसको भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों, तो हमारा 23 फरवरी को हमारा एग्जाम होने वाला है। हम अपने सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्या क्या 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक करेंगे 50% डिवाइड, क्या करेंगे 50% में डिवाइड करेंगे और दूसरा हम इस डिवाइड करेंगे 50% में, क्या हो गया हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे 50% और 50%। इसे हमें भूल जाना है, क्या होता है
हमें इसे नहीं देखना, हमें केवल 50% को देखना। जब हम ये 50% जब हम फरवरी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम इसमें 50% देखेंगे। और उसके बाद जो हमारा 50% है, क्या है जो हमारा 50% है फरवरी को, अब इसे भी हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जो हमारा 50% सिलेबस है इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 25% और 25%। क्या होगा, 25% और 25% में हम डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 25% और 25% में इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जब इसे हम 25 और 25% में डिवाइड करेंगे, अब क्या करना है, हमें इस सिलेबस को भूल जाना है। 50% जो 25% है हमें फरवरी में नहीं देखना, हमें केवल फरवरी में कितना देखना है, केवल 25% सिलेबस को देखना है, केवल 25% सिलेबस को पढ़ना है और इसी को एग्जाम देना है। सिलेबस मतलब जो हमारा फरवरी की एग्जाम है, हमें केवल पूरे सिलेबस का 25% तैयार करके एग्जाम देना है। 25% मतलब हम जानते हैं हमारे जेई में जो पेपर होगा इसमें क्या होता है, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 90 का अगर हम 25 क्वेश्चन निकालेंगे, 25% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, ओनली हमारा आएगा 23 या 22 क्वेश्चन। क्या होता है, 23 या 22 क्वेश्चन। तो हमारा जो फरवरी है वहाँ पर हमें केवल 23 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, मतलब केवल 25% सिलेबस पढ़ना है। और हम ये भी बताएंगे अभी क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बच्चों हमें क्या करना है, फरवरी के एग्जाम में हमें केवल 25% सिलेबस तैयार करना है और केवल 23 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है। और इसके बाद इसे क्या करना है, 23 क्वेश्चन अटैम्प करेंगे और वहां से सीधे हम घर पे आएंगे। और घर पे आने के बाद हम टाइम ना बर्बाद करके हम मार्च वाले जो हमारा मार्च की एग्जाम होता है उसकी तैयारी के लिए स्टार्ट कर देंगे। क्या होता है, उसकी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों जो हम 25% सिलेबस होता है, इतना कम सिलेबस होगा कि आप इसे क्या कहते हैं, इतनी बार पढ़िए, अभी आपके पास 45 डे है, इतनी बार पढ़िए कि आपको क्या करें कि दोबारा मार्च में इस सिलेबस को नहीं पढ़ना पड़े और आप इसके मेंटेन रखिए। और क्या, जो 25 सिलेबस आप फरवरी में पढ़े हैं उसको थोड़ा रिवाइज करते रहिए। और उसके बाद हम आप जो हमारा मार्च है, अब मार्च में हम क्या करेंगे, तो मार्च में हम स्टूडेंट करेंगे, यहाँ पर केवल 25% ही सिलेबस हमें पढ़ना है। क्या होता है, जो मार्च के एग्जाम होना देना है वहाँ पर भी हमें क्या करना है, 25% सिलेबस करना है। और केवल कितने क्वेश्चन के लिए, केवल हमें पढ़ना है 22 क्वेश्चन के लिए, कितना, केवल 22 क्वेश्चन के लिए हमें मार्च में पढ़ना है, कितना, मार्च में। अब हमारा जो मार्च होता है यहाँ पर हमारा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ, जो मार्च हुआ यहाँ पर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, कितना, 50% हमारा सिलेबस मार्च में कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, हमारा जो मार्च का सिलेबस था, मार्च में जब हम एग्जाम देने गए तो हमने 50% सिलेबस कंप्लीट करके, और हमने टोटल कितना क्वेश्चन अटैम्प करें, हमें मार्च में टोटल कितना क्वेश्चन अटैम्प करना है, 22 + 23 को टोटल हमें 45 क्वेश्चन अटैम्प करना है। कब, मार्च के जब एग्जाम हम देंगे केवल हमें 25 क्वेश्चन अटैम्प करना है और 25 क्वेश्चन अटैम्प करके चले आएंगे। इससे ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन अगर ज़्यादा हो जाए तो कर लेंगे, नहीं तो केवल 45 तो श्योर हम क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम घर पे चले आएंगे। जैसे ही एग्जाम हमारा हुआ हम सीधा अपने घर पे आएंगे और उसके बाद हम अप्रैल के एग्जाम के लिए लग जाएंगे। अब बच्चों हमारा जो अप्रैल में एग्जाम होना है, 50% जो हमारा बचा था अब इसे क्या करेंगे, इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 25% आएगा और उसके बाद 25% में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, 25% और 25% में हम क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। अब क्या करना है हमें, जब हम अप्रैल का एग्जाम देने आ रहे हैं, क्या होता है, अप्रैल का कौन सा एग्जाम देंगे, अप्रैल का, जब हम अप्रैल का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा जो 25% है इसे नहीं पढ़ना है। क्या होता है, इसे भूल जाना, केवल अब हमें क्या पढ़ना है, 25% सिलेबस केवल अप्रैल में पढ़ना है। जो अप्रैल के एग्जाम में यहाँ पर भी हम कितने सिलेबस पढ़ेंगे, केवल 25% सिलेबस पढ़ेंगे और ओनली 23 क्वेश्चन के लिए हम अप्रैल में तैयारी करेंगे। क्या होता, अप्रैल के एग्जाम में हम केवल 23 के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो अप्रैल होता है हमारा यहाँ पर सिलेबस कितना कंप्लीट होता है, हमारा अप्रैल है यहाँ पर हमारा सिलेबस हो गया 75% हमारा सिलेबस
कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा, 75% सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है। और हमारा टोटल यहाँ पर जो अप्रैल है, हम टोटल कितने क्वेश्चन अटैम्प करेंगे, 23 + 45 टोटल कितना हो गया, 68 क्वेश्चन हम अप्रैल के एग्जाम में अटैम्प करेंगे। क्या करेंगे, 68 क्वेश्चन हम अप्रैल के एग्जाम में अटैम्प करेंगे। कितना अटैम्प करेंगे, 68 क्वेश्चन हम अप्रैल के एग्जाम में अटैम्प करके चले आएंगे। बच्चों तो हमारा देख लीजिए, हमारा जो अप्रैल का एग्जाम है यहाँ पर हमने 25% तैयारी किया और हम केवल 23 क्वेश्चन के लिए करेंगे। और बाकी जो हम फरवरी और मार्च का सिलेबस है उसको इसके साथ बनाएंगे। और हमारा जो सिलेबस जो अप्रैल आएगा इसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा 75%। कितना सिलेबस कंप्लीट होगा, 75%। और उसके बाद हमने यहाँ पर तैयारी 23 का जो अप्रैल है यहाँ पर हमें केवल 23 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है। और टोटल हम जब अप्रैल के एग्जाम देंगे 68 क्वेश्चन अटैम्प करके आ जाएंगे। क्या होगा, हमारा 95% हमारा सिलेबस कंप्लीट है तो हमने 68 क्वेश्चन अटैम्प करके आ जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही हम घर पे आएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे मई का एग्जाम। क्या होता है, मई का एग्जाम हम स्टार्ट कर देंगे। जब हम मई का एग्जाम स्टार्ट कर देंगे, अब यहाँ हमें क्या करना है, जो मई का एग्जाम है यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, मानली हमें जो मई का एग्जाम है हमें यहाँ पढ़ना है केवल कितने क्वेश्चन के लिए, 22 क्वेश्चन के लिए। कितना, केवल 22 क्वेश्चन के लिए हमें पढ़ना है। और हमारा जो मई आता है यहाँ पर हमारा सिलेबस कितना कंप्लीट हो जाएगा, अगर मई को हम एग्जाम देंगे तो यहाँ पर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया 100%। कितना हो गया, 100% हमारा यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो बच्चों हमारा जो मई का जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा यहाँ सिलेबस 100% हो गया। अब हम यहाँ पर जब एग्जाम देने जाएंगे तो हम कितना क्वेश्चन अटैम्प करेंगे, 22 ए करेंगे प्लस 68, हमारा टोटल क्वेश्चन अटैम्प हो जाएगा कितना, हमारा जो टोटल क्वेश्चन अटैम्प होगा 90 क्वेश्चन। कितना हो गया, 90 क्वेश्चन हम यहाँ अटैम्प करके आएंगे। कितना क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन। अगर हम 90 क्वेश्चन अटैम्प करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन अटैम्प करके आएंगे तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा 90 से 95% हमारा रिजल्ट बन जाएगा। अगर कितनों कम बनेगा तो 70 से 80% हमारा रिजल्ट बनेगा और हम सिलेक्शन ले लेंगे। ये हो गया हमारा ट्रिक। ट्रिक ये हुआ कि बच्चों हम जो हमारा सिलेबस था हमने क्या किया, फरवरी में हमें एग्जाम देना है, सिलेबस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, 50 और 50%। क्या होता है, 50 और 50%। फिर उसके बाद जो हमारा एक जो 50% है इसको छोड़ देना है, केवल 50% देखना। 50% को भी हम डिवाइड कर लेंगे 25 और 25% में। कितना, 25 और 25% में इसके क्या कर लेंगे, जो हमारा सिलेबस है 25 और 25% में पार लेंगे। अब हमें जो फरवरी है इसमें केवल हमें 25% सिलेबस पढ़ना है। क्या होता है, केवल 25% सिलेबस पढ़ना है, केवल हमें 23 क्वेश्चन के लिए तैयारी करना है फरवरी के एग्जाम में। जब हम फरवरी के एग्जाम देने जाएंगे, हमने 23 क्वेश्चन को तैयार करके गया हूँ और वहाँ पर हमने 23 क्वेश्चन अटैम्प करके चले आएंगे। और उसके बाद हम उसी दिन से हम मार्च के एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर देंगे। अब क्या हुआ, जो हम 25% सिलेबस तैयार हो चुका है, अब हमें क्या करना है, जो मार्च है वहाँ पर हम इसके आगे 25% हम सिलेबस और तैयार करेंगे। और जो मार्च होता है वहाँ पर हमारा सिलेबस 50% तैयार हो गया। क्या होता है, 50% तैयार हो जाता है। और जो हम क्वेश्चन अटैम्प करेंगे, कितना अटैम्प करेंगे, जब हम मार्च का एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर हम 45 क्वेश्चन अटैम्प करके आएंगे। क्या होता, 25 क्वेश्चन अटैम्प करके आएंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी दिन से जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन से हम यहाँ से अप्रैल का एग्जाम स्टार्ट कर देंगे। अप्रैल को जो हमारा 50% हमने छोड़ा था, अब उसको क्या करते, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 25% और 25% में हम डिवाइड कर लेंगे। अब उसके बाद हम अप्रैल का एग्जाम तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। अप्रैल में हमें केवल 25% तैयार करना है, जिसमें हमें केवल 23 क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। और जब हम अप्रैल में तैयारी स्टार्ट की है तो हमारा यहाँ पर सिलेबस 75% क्या होता है, कंप्लीट होता है। जब हमारा यहाँ 75% कंप्लीट होता है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ टोटल क्वेश्चन हम जब अप्रैल के एग्जाम देने जाएंगे यहाँ पर हम टोटल 68 क्वेश्चन अटैम्प करेंगे। क्या होता है, 68 क्वेश्चन अटैम्प करके चले आएंगे। और उसके बाद जैसे ही हम घर पे आएंगे, हम उसी दिन से और उसी टाइम से हम मई का एग्जाम के लिए स्टार्ट कर देंगे तैयारी। क्या होता है,
ये मई के एग्जाम के लिए स्टार्ट कर देंगे तैयारी। अब क्या होगा, जो हमारा मई है यहाँ भी हमें क्या होना है, केवल 25% पढ़ना है और हमारा जो सिलेबस कंप्लीट होता है 100% हमारा मई में सिलेबस कंप्लीट होता है। और उसके बाद हमने यहाँ पर जो मई का एग्जाम देने जाते हैं तो हम यहाँ पर टोटल 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकेंगे। और हमारा जब 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा 90 से 95% हमारा सिलेबस कंप्लीट हुई, 100% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया और हमारा रिजल्ट बना 90 से 95% हमारा क्या होता है रिजल्ट बनेगा। कितना बनेगा, 90 से 95% हमारा रिजल्ट बनेगा। कितना बनेगा बच्चों, 90 से 95% हमारा रिजल्ट बनेगा। और हम क्या करेंगे, हमारा रिजल्ट 90 से 90% बना और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों इतना इजी ट्रिक, इतना इजी ट्रिक, आप एक बार इस ट्रिक को देखेंगे और आप खुद ही क्या करेंगे, इसे फॉलो स्टार्ट कर देंगे आज से। अब क्या होगा, ये हो गया हमारा ट्रिक इतना इजी कि हम एक अटैम्प्ट में कभी भी हम 100% सोच के एग्जाम देने नहीं जाएंगे। अगर हमें फरवरी का एग्जाम देना है केवल 20% 25% सोच के देना है, और जब मार्च का देना है तो वहाँ पर हमारा सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाएगा। अप्रैल में हमारा सिलेबस 75% अटैम्प्ट करके आएंगे, और जब हम मई का देंगे वहाँ पर हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट रहेगा और तब हम एग्जाम देंगे। हम 100% सिलेबस को 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे तो हमारा रिजल्ट 90 से 80 से 90 या 90 से 95 रिजल्ट हमारा बनेगा, हम सिलेक्शन ले लेंगे। इतना इजी ट्रिक है। अब आप सोच सकते हैं कि हम अगर ऐसे तैयारी करेंगे, सोच लीजिए हमें क्या करना है, केवल फरवरी सॉरी फरवरी में केवल 23 क्वेश्चन का तैयारी करके देना। अभी हमारे पास 45 दिन है, 45 दिन में हम जाके केवल 23 आज से अभी से अगर 23 क्वेश्चन का हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, मुश्किल से 3 या 4 चैप्टर फिजिक्स का पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम वो भी देखेंगे, सॉरी अभी हम ये भी देखेंगे हमें कितना सिलेबस पढ़ना है और क्या पढ़ के हमें एग्जाम 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे। तो बच्चों ये था हमारा एक बहुत इजी ट्रिक, इसे फॉलो जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और पूरे स्टूडेंट के पास पहुँचाइए। 100% सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, अब उसे हम देखते हैं 25% सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो बच्चों हम क्या देखते हैं, 23 फरवरी को हमारा क्या होना है, एग्जाम क्या होता है, 23 फरवरी को हम क्या देंगे, एग्जाम देने जा रहे हैं 23 फरवरी को। जब 23 फरवरी को हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हम 23 फरवरी को हमें कितना क्वेश्चन करना है, कितनी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्या होता है 20 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करना है फरवरी का एग्जाम में। अब हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ें कि 23 हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। बच्चों इसका सबसे ईजी ट्रिक ये है कि आप क्या करें, 4 साल का अंसाल लेंगे, 16, 17, 18, 19, 20 मतलब 4 या 5 साल का अंसाल लेंगे और उसमें हम ढूंढेंगे किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है। तो हम आज देखेंगे तो मैक्सिमम क्या होगा, एक से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं, क्या होता है मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, ये तो श्योर ही 3 क्वेश्चन आता। हम क्या करेंगे उस चैप्टर को उठाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हमने देखा कि हमने जो 3 क्वेश्चन है इसको डिवाइड किया तो हमने देखा एक फिजिक्स का डिवाइड करेंगे, केमिस्ट्री में डिवाइड करेंगे और मैथ में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे मैथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में हमने क्या किया डिवाइड कर लिया। जब हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में डिवाइड किया तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा सिलेबस है अब हमारा एक चैप्टर मान के चलिए एक चैप्टर केवल फिजिक्स का पढ़ना पड़ेगा जिसमें हमारा 3 क्वेश्चन आता है उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। क्या कहते हैं एक चैप्टर ये है कि हम फिजिक्स का केवल एक चैप्टर देखते हैं कि उसमें से 3 क्वेश्चन आ रहा है, क्या होता है देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन कितना आ रहा है। हम देखें जो हमारा फिजिक्स का एक चैप्टर था वहाँ से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ रहा है, क्या होता है 3 क्वेश्चन, एक चैप्टर है जिससे 3 क्वेश्चन आ रहा है। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, एक चैप्टर सॉरी केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिससे 3 क्वेश्चन आ रहा है, मैथ का भी है वो एक चैप्टर है जिससे 3 क्वेश्चन आएगा। अब बच्चों देख लीजिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मतलब हमें एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ना पड़ेगा, एक चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ना पड़ेगा और एक चैप्टर मैथ का पढ़ने का। और हमारा यहाँ पर टोटल कितना क्वेश्चन तैयार होता है, हम यहाँ टोटल हमारा क्वेश्चन बनेगा, हमारा टोटल क्वेश्चन यहाँ बनता है 9 क्वेश्चन। क्या हो गया बच्चों, यहाँ हमारा टोटल 9 क्वेश्चन, केवल 3 चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर मैथ का, केवल 3 चैप्टर हम पढ़ेंगे जिससे हमारा टोटल क्वेश्चन बन गया 9। क्या हो गया 9,
कि अगर टोटल 9 क्वेश्चन हमारा केवल 3 चैप्टर पढ़ने से बन गया तो हम क्या करेंगे, केवल यही 3 चैप्टर पढ़ेंगे फरवरी वाले एग्जाम में, जहाँ से देखेंगे मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ रहा है। 3 साल का मतलब 4 साल या 5 साल का हम अन साल में देखेंगे, जिससे सबसे ज़्यादा चैप्टर से क्वेश्चन आया हम उसको सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। चाहे हमारा मैकेनिक्स को उठा ले, कुछ चैप्टर होते हैं मैकेनिक्स से जहाँ से हमारा 3-3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, उसको हम उठाएंगे और उस चैप्टर को इतनी बार पढ़ेंगे कि हम इससे फिर दोबारा हमें फरवरी में भी ना पढ़ मार्च में ना पढ़ना पड़े, हमें कहें दोबारा मार्च में ना पढ़ना पड़े और ये हमारा चैप्टर तैयार हो जाए और हम जैसे हम फरवरी का एग्जाम देने जाएँ तो हमारा 23 क्वेश्चन पूरा अटैम्प हो जाए। अब इसके बाद हमारा आता है 2 क्वेश्चन वाले, क्या बच्चों 2 क्वेश्चन, ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन वाला, क्या होता ये हमारा था 3 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 2 क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आते हैं, क्या होता है 2 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं, इसे भी हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बांट लेंगे। क्या होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्या होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बांट लेते हैं, क्या होता है बांट। अब हम देखेंगे 2-2 क्वेश्चन वाले किस चैप्टर से आ रहे हैं, तो हमने क्या देखा जो फिजिक्स 4 क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाएगा, क्या देखते हैं 4 क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा, 4 क्वेश्चन इससे बन जाएगा, 4 क्वेश्चन इससे बन जाएगा, क्या हो गया 4 क्वेश्चन इससे बन गया, 4 क्वेश्चन इससे बन गया, 4 क्वेश्चन इससे बन गया, मतलब हमें केवल 2 फिजिक्स का पढ़ेंगे 2 चैप्टर तो हमारा 4 क्वेश्चन बनेगा, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारा 4 क्वेश्चन बनेगा और मैथ का हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे हमारा 4 क्वेश्चन बन रहा, मतलब 1 चैप्टर से 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता एक चैप्टर हम फिजिक्स पढ़ेंगे जहाँ से 2 क्वेश्चन बनता था और जहाँ और फिजिक्स केमिस्ट्री का 1 चैप्टर पढ़ेंगे 2 क्वेश्चन, तो हमें 2 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और 4 क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। यहाँ पर हमारा टोटल कितना क्वेश्चन हो गया बच्चों, तो हम इसे देखते हैं तो हमारा यहाँ टोटल क्वेश्चन होता है कितना, हम जब इसको देखें तो हमारा यहाँ टोटल क्वेश्चन बन गया कितना बना, यहाँ पर टोटल हमारा क्वेश्चन बन गया 16 क्वेश्चन, क्या होता 16 क्वेश्चन, क्या हो गया बच्चों 16 क्वेश्चन। आप सोच लीजिए हमें क्या करना है, केवल 23 क्वेश्चन का तैयारी करना है, हमारा यहाँ 60 क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया 60 क्वेश्चन। अब हम क्या कहते हैं 60 क्वेश्चन बना, जब इसे बोले तो हमारा यहाँ 25 क्वेश्चन बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों 25 क्वेश्चन, केवल 3 चैप्टर हमें फिजिक्स का पढ़ना है, 3 चैप्टर केमिस्ट्री का और 3 चैप्टर मैथ का, मतलब केवल 3-3 चैप्टर पढ़ना है हमारा 25 क्वेश्चन पढ़ना, क्या होता है 25 क्वेश्चन बन जाएगा। हमने क्या देखा अब सोच लिए इतना कम पढ़ना है, केवल हम देखते हैं आप फिजिक्स क्या करेंगे, फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्या होता है जब हम फरवरी के एग्जाम देने जा रहे हैं यहाँ पर हमें फिजिक्स में केवल 3 चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में केवल 3 चैप्टर पढ़ना है और 3 चैप्टर केवल हमें मैथ में पढ़ना है। अब बताइए बच्चों और स्टूडेंट हम इतना पूछते हैं, अगर आप 3 चैप्टर नहीं तैयारी कर पाएंगे फिजिक्स का, 3 चैप्टर का केमिस्ट्री तैयारी नहीं कर पाएंगे और मैथ का 3 चैप्टर तैयारी नहीं कर पाएंगे तो हम एग्जाम कैसे देंगे। आप सोच लीजिए इतना ईजी है, केवल आप 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं, केवल 3 चैप्टर पढ़ के आप जा रहे हैं जेई मेन का एग्जाम देने। सोच लीजिए कि 3 चैप्टर फिजिक्स का पढ़ोगे और 3 चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ोगे और 3 चैप्टर केवल मैथ का पढ़ के हम बताओ जा रहे हैं जेई मेन का एग्जाम देने। इतना इजी आप ट्रिक, इतना आसान, इतना आराम से कैसे सोच सकते हैं, केवल हमें 3 क्वेश्चन मतलब 3 चैप्टर पढ़ के हम क्या करना चाह रहे हैं जेई मेन का एग्जाम देने जाने। सोच लीजिए ये फरवरी का, फरवरी के एग्जाम हमें केवल 3 चैप्टर फिजिक्स का पढ़ना है, 3 चैप्टर केमिस्ट्री का और 3 चैप्टर केवल मैथ का, इतना हम पढ़ के जाएंगे और फरवरी का एग्जाम देने जाएंगे और 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे और उसी दिन से हम मार्च का सिलेबस को स्टार्ट कर देंगे। इसी प्रकार जिस प्रकार हम इस अनसॉल्व से हमने इतना क्वेश्चन निकाला, जब हम इस अनसॉल्व से इतना क्वेश्चन निकाला फरवरी के लिए, अब इसी अनुसार से हम क्या कहते हैं मार्च के लिए निकाल लेंगे हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और हमारा 23 क्वेश्चन मतलब 22 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद अप्रैल में हमें क्या करना है कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 22 या 23 क्वेश्चन निकल जाएगा और उसके बाद हमें मई कैसे पढ़ के हमारा क्या जो मार्च होता है, अब इस जो हमें फरवरी में पढ़ा ये हमें भूलना नहीं होगा, हमें इतना बार इसे पढ़ना कि हमें जैसे हमें फरवरी जब हम मार्च का एग्जाम देने जाएँ और इसको फरवरी और मार्च दोनों मिला के हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है 45 और उसके बाद फिर 70-50% हमारा सिलेबस कम्प्लीट होता है,
फिर उसके बाद जब हम मई अप्रैल में जा रहे हैं पेपर देने, तो हमारा वहाँ 25% हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। हमने जब अप्रैल का एग्जाम देने गया वहाँ पर हमने 68 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए, और जो फरवरी मार्च का एग्जाम यहाँ 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, और उसके बाद जब मई का हो गया वहाँ हमारा सिलेबस 100% कम्प्लीट हो गया, पूरा चैप्टर हमारा कम्प्लीट हो जाएगा। और जब मई का एग्जाम देंगे वहाँ पर हमें 100% है, 90 क्वेश्चन हम अटैम्प करेंगे, हमारा 80, 85, 90, 95 क्वेश्चन% हमारा रिजल्ट बनेगा और हम सिलेक्शन लेंगे। अब इतना इजी ट्रिक अगर आप नहीं सोच पाएंगे, अगर आप इतना इजी नहीं कर पाएंगे, तो हम आप जेईई मेन का एग्जाम देना भूल जाइए और मत दीजिए। हम तो यही कहेंगे मत दीजिए, कह दीजिए कि नहीं हम नहीं करेंगे। क्या करना है क्यों कह दीजिए हम नहीं देंगे एग्जाम, इतना केवल 3 चैप्टर पढ़ना। दोस्तों सोचो बच्चों, हमें 23 फरवरी को हमारा एग्जाम स्टार्ट है, हमें 23 क्वेश्चन करना है। अब हम क्या करेंगे, अंसाल उठाएंगे, वहाँ से हम 3, 3, 3 और 2, 1, जिससे मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जिस चैप्टर से, उसको हम चैप्टर को निकाल के रखेंगे और उसे हमें पढ़ना है। जिससे 2 क्वेश्चन आया है उसको हम निकाल के रखेंगे, उसे हमें पढ़ना, और जिससे 1 क्वेश्चन आया है उसको भी हम निकाल लेंगे। हमें केवल कि हमें टोटल 23 क्वेश्चन का हमें बनाना है, तो हमें देखना है किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया, उस चैप्टर को इतनी बार पढ़ेंगे कि केवल हमें फरवरी के एग्जाम में केवल 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ जाना है। उसके बाद हमें उसी दिन से स्टार्ट कर देना है 20 मार्च का एग्जाम, हमें उसी दिन से हमें स्टार्ट कर देना मार्च के एग्जाम के लिए। तो बच्चों आप सोच लीजिए, अब जैसे ही हमने देखा 23 क्वेश्चन, जब हमने देखा तो हमने देखा जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, एक फिजिक्स का क्वेश्चन है जहाँ से 3 नंबर का तीन क्वेश्चन आता है एक चैप्टर से, और केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जहाँ उस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आता है, और मैथ का एक चैप्टर है जहाँ से हमें उस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब क्या करें, हमें उस चैप्टर को एक चैप्टर इतनी बार पढ़ना कि हमारा जो आज हम पेपर देने जाएँ तो हमारा 3 क्वेश्चन वहाँ से तैयारी हो जाए, 3 क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। इतनी बार उस चैप्टर को पढ़ना है, उसी एक चैप्टर को इतनी बार हमें पढ़ना है कि हमारा 3 क्वेश्चन तो कभी ना गलत होए। और उसके बाद 3 हमारा यहाँ से बनेगा, 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री बनेगा, 3 क्वेश्चन मैथ्स बन जाएगा। हमारा यहाँ टोटल कितना क्वेश्चन बन गया, 9 क्वेश्चन। फिर 2 नंबर वाले हमने देखा, जब 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, हमने देखा जो फिजिक्स का 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 चैप्टर ऐसे थे फिजिक्स का जहाँ से दो एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते थे, तो हमने देखा कि 2 चैप्टर हमें फिजिक्स का पढ़ना है जहाँ हमारा 4 क्वेश्चन बन जाएगा, और केमिस्ट्री का 2 चैप्टर पढ़ना जहाँ हमारा 4 क्वेश्चन बनेगा, और जो मैथ उठाएंगे वहाँ हमने 2 चैप्टर पढ़ा तो हमारा 4 क्वेश्चन बन गया, तो हमारा टोटल 16 क्वेश्चन बन गया। क्या होता है, 16 क्वेश्चन हमारा बन गया। केवल 2 चैप्टर फिजिक्स का पढ़े जहाँ हमारा 4 क्वेश्चन बन रहा है, और 2 चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़े जहाँ हमारा 4 क्वेश्चन बन रहा है, और 2 चैप्टर हमने मैथ का पढ़ा जहाँ हमारा 4 क्वेश्चन बन रहा है। हमने क्या किया, इसको जब मल्टीप्लाई मतलब इक्वल किया तो हमारा 25 क्वेश्चन, मतलब केवल 3 चैप्टर में फिजिक्स पढ़ना, 3 चैप्टर में केमिस्ट्री पढ़ना, और 3 चैप्टर में मैथ पढ़ना, और टोटल हमारा 25 क्वेश्चन बन गया। केवल 3-3 क्वेश्चन पढ़ के हम केवल चेईई मेन का फरवरी का एग्जाम देने जाना है। फिर इसी प्रकार हम मार्च का भी निकालेंगे, मार्च में हम 23 क्वेश्चन उसको अटैम्प्ट करेंगे, और 22 क्वेश्चन मार्च वाले को तैयार करेंगे, और 23 क्वेश्चन हमारा फरवरी के एग्जाम का तैयार है, हम टोटल अटैम्प्ट करेंगे 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। इसी प्रकार हम अप्रैल का भी करेंगे, वहाँ हम टोटल 68 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे, और मार्च जब मई का देंगे हम वहाँ पर 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, जहाँ से हमारा 80-85 क्वेश्चन जरूर सही हो जाएगा, और हमारा 90-95% हमारा रिजल्ट बनेगा और हम सिलेक्शन ले लेंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और उसके बाद सब्सक्राइब भी करिए, और उसके बाद बेल घंटी दबाते रहिए, और क्या कहते हैं, और उसके बाद इस ट्रिक को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए आज से और अभी से। जब भी आपको ये ट्रिक मिला, हम तो सोच रहे इतना जल्दी सबके पास पहुंच जाए ट्रिक कि बच्चा तुरंत, जो बन स्टूडेंट है तुरंत अपना ट्रिक स्टार्ट कर ले, तो इसीलिए इसको इतना ज़्यादा शेयर करिए कि इस ट्रिक सभी के पास पहुँच जाए और अपना स्टार्ट करते तैयारी। और बच्चों दूसरी बात यह है, हमने क्या किया, केमिस्ट्री का एक शॉर्ट नोट भी अपने इस अशोक सर लाइव जो अशोक सर लाइव चैनल है, इसी चैनल पे हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री का एक शॉर्ट नोट डाले हैं जो एनसीईआरटी से। अगर आप उस प्ले स्टोर में जाइएगा और वहाँ से उस
देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा शॉर्ट नोट तो उसे जरूर पढ़िएगा। केवल एनसीईआरटी से एक बार उसे रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज करके आप एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे आप कभी सोच भी नहीं सकते हम ऐसे भी पढ़ना है। केवल हमें 3 चैप्टर फिजिक्स, 3 चैप्टर केमिस्ट्री और 3 चैप्टर मैथ को पढ़ के हम फरवरी में जेई मेन का एग्जाम देने जा रहे हैं। कितना शर्म की बात है, लेकिन बच्चों शर्म की बात नहीं है, ये तुम्हारे करियर की बात है। आप अगर यहाँ पर केवल 23 क्वेश्चन अटैम्प करेंगे और उस समय मार्च में करेंगे, अप्रैल में आप इतना ज़्यादा ग्रो कर लेंगे कि आप मई में आप 100% 90 क्वेश्चन करके जब आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इतना ईजी ट्रिक कहाँ से मिला और कैसे बना। तो बच्चों ये हमारे दिमाग में कितने दिन से चल रहा था, लेकिन हम सोच रहे थे कि क्या बनाए, लेकिन हमने बना के सबके पास पहुंचा दिया। इसलिए हमारा भी हेल्प करिए, लाइक और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को, और अशोक सर लाइव को देखते रहिए। वहाँ पर हम केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट डाल रहे हैं और उसके बाद आप लोग और ट्रिक बनाएंगे जिसमें हम जिनका सिलेबस 25% तैयार है उसके लिए ट्रिक है। इसके कल वाले वीडियो हमने बनाया था जिसका 50% का वीडियो है, उसमें हम क्या बताएंगे, उसमें हम बताएंगे फरवरी के एग्जाम में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, मार्च के एग्जाम में कौन चैप्टर पढ़ना है, अप्रैल के एग्जाम में कौन चैप्टर पढ़ना है और मई के एग्जाम में कौन चैप्टर पढ़ना है। ये क्या कहते हैं, हम अगले वीडियो में इसको हम बनाएंगे और उसके बाद अगला वीडियो हमारा इसी पे बनेगा, हमें कौन कौन चैप्टर अटैम्प करना है फरवरी के एग्जाम में, मार्च के एग्जाम में और अप्रैल फिर मई। इसी प्रकार हम पढ़ते चलेंगे और अपना सिलेबस को कंप्लीट करते हैं मई के एग्जाम में हम 100%। जिस वीडियो अगला बनेगा, हमारा अगला वीडियो बनेगा, हम कौन कौन चैप्टर फरवरी के एग्जाम में कौन चैप्टर पढ़ेंगे, मार्च के एग्जाम में कौन चैप्टर पढ़ना है, अप्रैल के एग्जाम में कौन चैप्टर करेंगे और उस मई के एग्जाम, इसी के स्कोर पे हम आपको अब अगला वीडियो इसी पे बनाएंगे।